आगरा। वार्ड नंबर 68 बीजेपी पार्षद प्रवीण पटेल लापता सालों से नहीं पहुंचे हैं। अब पार्षद प्रवीण पटेल केवल चुनाव के समय आए थे, उसके बाद लापता हो गया। दर्श कवि दूरी दरवाजा स्थित क्षेत्रीय जनता का कहना है कि वह पार्षद से कई बार शिकायत कर चुके हैं और गली की, लेकिन पार्षद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्र में सालों से सड़कें नहीं बनी हैं। ये क्षेत्र में हर एक गली में समस्या ही समस्या है, चाहे आप सड़क को ले लो, पानी को ले लो, सीवर को ले लो, इतनी समस्या है कि इसमें हम बता नहीं सकते। यहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है शिकायत करते करते, पर पार्षद विधायक जी की कोई सुनवाई नहीं है। इन पर जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सप्ताह देते हैं, पर सुनवाई नहीं है। पार्षद जी 5 साल होने को है, पर अब तक गलियों में, अपने मोहल्लों में दिखाई तक नहीं देते। पब्लिक मिलने जाती है, चुनावों के समय पर ही आते हैं वो लोग, उसके बाद में जाते हैं। चुनाव के समय में वोटों की जरूरत है उन्हें। अब जो गली ने, ये मोहल्ले ने ठान लिया है, अगर गली मोहल्ले सीवर अगर सही है तो चुनाव होगा, चुनाव को वोट देंगे हम। गली की हालात की दुर्दशा बहुत खराब है। आए दिन बच्चे बड़े बूढ़े चोटिल होते हैं, लेकिन पार्षद गली को बनवाने का नाम नहीं ले रहे। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर उनकी गली और सीवर पानी के नल की समस्या का जल्द निदान नहीं होता है तो वह आने वाले चुनाव में पार्षदों का बहिष्कार करेंगे और उन्हें कतई वोट नहीं डालेंगे। जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, कम से कम 25 साल तो 30 साल तो इस गली को हो गई जिसमें नल नहीं है, नल की सुविधा मिली नहीं है अभी तक। कोई भी आता है नल के वादे करके चला जाता है, बट नल नहीं आते, नल की सुविधा नहीं मिली हमें। एक और दो, तीन, ये तीन गली है, एक आगे, एक जी वाली है और एक इससे आगे, तीनों गली में नल की सुविधा नहीं है पानी की। प्लस इसमें सीवर लाइन आज दिन लीकेज होती रहती है, कभी पानी सीवर का पानी इधर ज़्यादा, कभी इधर जा रहा है। सीवर की दिक्कत है बहुत, सीवर टूटी हुई है, पाइप आधे डलवा दिए उन्होंने, यहाँ से जहाँ तक डलवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फादर ने जो काम करवाया है केवल 1%, वो भी सीवर का, उससे कोई लाभ नहीं है। पार्षद से शिकायत की, पार्षद आता है, पार्षद तो आते नहीं, खराब ही लोग जाते हैं। पार्षद जब जाते हैं हम, तो पार्षद का समय पता नहीं कौन सा है मिलने का, पर देखा जाता है वो चुनाव में आ जाते हैं, आप लोग वोट मांगने बिल्कुल चुनाव में आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है वोट कुछ बनना है, वोट मिल जाएंगे बन जाएंगे, इनका सुविधा कहने में क्या जा रहा है। फिर आगे चुनाव आ रहे हैं, पार्षदों की क्या है उसमें, क्या रणनीति रहेगी, सुविधा क्या है? वोट जब जाएंगे, जब कुछ सुविधा मिलेगी तभी वोट दिया जाएगा। आपके सड़कें नहीं बनती है, सीवर नहीं होता, फिर क्या करोगे अब लोग? नहीं, क्या करेंगे फिर? ये चुनाव यही रखा जाएगा, प्रस्ताव की भाई एप्लीकेशन वगैरह लगाई जाएगी। अब हम तो खुद तो बनाएंगे नहीं। ये गली पूरी बहुत दिन से खुद ही पड़ी हुई है, कम से कम 10-12 साल हो गए और नल इसमें आते नहीं है, 35-30 साल हो गई करीब, और पूरे बच्चे गिरते हैं गली खुद ही है। पार्षद के पास जाओ वो मना कर देता है, अरे भाई हमें प्रवीण पटेल, और गली का कोई नाम नहीं लेता। कितनी वो एप्लीकेशन दे चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है, कभी कोई नहीं आता गली देखने के लिए। अब क्या कहना है फिर आपको? अब ये गली बनेगी तो ही वोट देंगे, न वरना वोट ना देंगे हम। ठीक है।